गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये कल की वीडियो है और मैं कल बिजी थी, इसी वजह से मैं वीडियो टाइम से पोस्ट नहीं कर पाई, सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। यहाँ पे मैं और दीदी बनारस जा रहे थे और यहाँ पे ट्रेन 4:45 की थी, 4 बजे से मैं उठी थी। मेरी नींद ना 3 बजे ही खुल गई थी, मैं जगी थी, लेकिन ट्रेन लेट होते होते मैं देख रही थी कि ट्रेन कहाँ पहुँची है मोबाइल में। तो 6:30 बजे ट्रेन आई है यहाँ पे जफराबाद, और मैं और दीदी चल दिए थे। मैंने 25 तारीख के लिए बहुत कुछ सोच के रखा था कि मैं करूँगी, तो वही मैंने कहा चलो, और मम्मी मना कर रही थी, मम्मी कहीं रहने दो, मैंने कहा नहीं, मैं 25 तारीख को जो मुझे करना है वो तो मैं करूँगी। मम्मी बोल रही थी कि जौनपुर में कर लो कहीं, मैंने कहा नहीं, यहाँ मुझे जाना है और करना है। और यहाँ पे मैं ट्रेन में ऐसे ही बैठी थी चुपचाप, और ये छोटी सी बच्ची पता नहीं क्या इसको समझ में आ रहा था, 2-3 महीने की थी और देख रही थी। तो चलिए, ज़्यादा मैं बोल तो पाऊँगी नहीं, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, और इन्जॉय करिए ये वीडियो एंड फुल वॉच करिएगा। यहाँ पे पूजा हो गया था और पंडित जी ने छोटा सा हवन करवाया था, मैंने बोला तो उन्होंने हवन करवाया, और सब मंत्र वंत्र बोल रहे थे कि बोलो ये सब, तो जो भी उनका तरीका था उन्होंने करवाया अपने तरीके से, और मैंने भी दान वान किया, जो भी था उनको देना चाहिए था दे दिया। और उसके बाद मैं नदी की पूजा करने आ गई थी यहाँ पे। देखो यार, इतनी एज तो है नहीं कि मुझे समझ में आए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फर्स्ट टाइम था मेरा, फर्स्ट बार जब मैं पूजा करना चाहती थी तो कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और उसी टाइम पापा का भी ऐसे हो गया था तो नहीं हो पाया था। लेकिन सेकेंड टाइम मेरा मन था कि मैं बनारस में जाके पूजा करूं, और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे हाथों में हैं मैं कर सकती थी, मैंने वो सब किया। और यही भगवान से प्रे किया कि भगवान जहाँ भी हूँ लवली ठीक रहें, और मैं जैसे भी हूँ मैं रह लूँगी, बस वो ठीक रहें जहाँ भी हैं। और एक पत्नी होने के नाते मुझे जितना भी करते बना मैंने किया, और मेरी एज इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि मुझे इतनी समझ हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ जितना मुझसे करते बना मैंने किया है। और यही उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी रहें लवली खुश रहें। और बस दुख इस चीज़ का होता है कि इतनी सी एज में जहाँ कुछ और करना चाहिए था इंसान को, और वहाँ पे ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो अपने आप को देख के थोड़ा दुख भी होता है कि ऐसे ऐसे। और लेकिन ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे इतना स्ट्रांग तो बनाया है, और हालातों ने भी इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकती हूँ ना। और ठीक है, भगवान शायद उन्हीं को ज़्यादा दुख ऐसे देते हैं कि जो ये सब चीज़ें झेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान को मैं स्ट्रांग दिखी, हमेशा से मैं ना चीज़ें हैंडल कर लेती थी हमेशा से, तो भगवान ने मुझे बनाया। और सुबह का टाइम था
सब लोग मेरा चेहरा ही देख रहे थे और सब लोग सोच रहे थे कि कल्याणी रोए ना, ये ना, वो ना, सब लोग मुझे बातों में फंसाए हुए थे। और ठीक है, मैं ठीक थी। और यहाँ पे पूजा करने के बाद कुछ गरीबों को दान किया जाता है, तो मैंने वो सब चीज़ें, मैंने बहुत चीज़ें हाइड कर दी क्योंकि वो दान ही क्या जो दिखा के करे इंसान। तो यहाँ पे आ गई यहाँ थी। पूजा पाठ करते करते 11 बज गया था, तो मैं तवा डोसा था, मैंने कहा दीदी से आप खा लो, और मैं नारियल पानी पी थी क्योंकि आज के दिन 25 तारीख को मैंने सोचा था कि मैं ना कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, व्रत रहूंगी। तो मम्मी बहुत मना कर रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एक दिन तो रहूंगी लवली के लिए, और मैं व्रत थी इसलिए नारियल पानी पिया मैंने और दीदी तवा डोसा खाई। और देन हम लोग बस पकड़े, कोई ट्रेन नहीं थी, और घर चले आए। मॉर्निंग के 5 बजे के निकले निकले हम लोग 12 बजे आराम से पूजा पाठ करके सब कुछ चले आए थे। कुछ इधर उधर करना नहीं था, भटकना नहीं था, सीधे जाना था, पूजा पाठ करना था और जो भी अपना दान वान करना था, जो भी चीज़ें थी। तो और मुझे बहुत संतुष्टि मिली कि मैंने कुछ तो किया। बस यही कहूँगी कि भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। सामने का था वो शाम के फरार, कुछ भी खा ले, दूध पी के सो जाओ, ना खाए दूध के ना पिए, दही खा ले, दही खा ले, दही भी, आलू थोड़ा सा खा लेना, केला तो खाए गए ले, केला आलू थोड़ा सा घर का बच जाए गैस पे उबाल के, आलू और दही एक मीठा वाला दही खा ले, थोड़ा नमक खाए, नमक ना खा, नमक पूरा दिन कुछ ना खाए तब नमक सा, अच्छा तो वैसे ही आलू है, सेंधा नमक भी ना खा ले ला। हमार तो व्रत है, हम थोड़ी ना खाए, हमार व्रत है, हम कहाँ खाए, तू लोग खा। शाम का टाइम हो गया है और मैं आई थी दोपहर में, जगी हुई थी, मैंने कोई सूट नहीं किया, मन नहीं कर रहा था मेरा, और आइसक्रीम वाला आया है, सब लोग आइसक्रीम ले रहे हैं, सब लोग हैं, बच्चे हैं, दीदी उदी हैं और बगल के भी बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा व्रत है। मम्मी मना कर रही थी कि व्रत मत रखो, खुद ही पतली हो गई हो ये वो, हम कह नहीं, मेरा मन है, मेरा मन था बनारस जाके करने का भी पूजा, वो मैंने किया, और मेरा दान करने का जो भी था सब कुछ मैंने नहीं दिखाया वीडियो में, और मेरा मन था कि मैं व्रत रहूं क्योंकि मेरी तसल्ली के लिए, मेरी तसल्ली बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मुझे लगेगा कि मैं, तो मैंने खाए फल, हालांकि मैं जूस पी ली थी वहाँ पे, एक गन्ने का जूस पी ली थी और वो नारियल पानी पी ली थी, केला मैंने आधा दर्जन पैक करवाया था तो दादी को दिया, बच्चों को थोड़ा एक दो दे दिया, उसके बाद दो मैं खाई थी। खाने का मूड नहीं है ज़्यादा, मन ही नहीं कर रहा है खाने का। रात को वही दीदी पूछ रही थी क्या खाओगी, मैंने कहा खा लूँगी कुछ भी। आज जैसे ना, वैसे मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे कमज़ोरी लगती है, कुछ भी लगता है, लेकिन मैं व्रत हूँ और मैं वहाँ से उतनी दूर गई भी, धूप में गई और मैं व्रत भी थी, मुझे पता नहीं कहाँ से ताकत मतलब मिली मुझे, जैसे कम हम मैं वैसे मैं जौनपुर जाती हूँ थक जाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मम्मी कह रही हैं मम्मी अकेले सब्जी बना रही, मैंने कहा बना देती हूँ, मम्मी कही नहीं व्रत है तुम्हारा रहने दो, और मम्मी सब्जी कहीं कुकर में बना दूँगी जल्दी जल्दी, फिर रोटी हो जाएगा, चावल पड़ जाएगा, खा लेंगे सब लोग, देखते हैं शाम को मेरा क्या होता है, आलू की भुजिया हो जाएगी, दही खा लूँगी या दूध कुछ भी, वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। चलो यहीं वीडियो का एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, और ठीक है सब कुछ, बाय।